done this everything in detail and you can see the coverage. Number of lectures मैंने share किए company audit पे 17, standards पे 22, special audit पे 8 और इस बार code of ethics हमने आखिरी में लिया है क्योंकि code of ethics में proposed amendment है जो 2022 तक शायद आपके course में आएंगे. So in that case जैसे ही वो revise होएगा वो वाले lectures क्योंकि मैंने आखिरी में लिए हैं इस बार. So what you can do is you can then skip those lectures and see the new ones. But I think 2021 May तक तो नहीं दिख रहा था. Study material के number of pages हमारा जो SJ study material है ICAI का, नहीं उसमें कितने pages किस chapter के हैं वो आपको दिया हुआ है और आप देखोगे 500 plus pages में हमने content cover कर लिया पूरा. Drone chart में मैंने 95x2 लिखा है special audits के क्योंकि वो A3 size के pages हैं. तो 500 plus page में पूरा content cover हो गया और charts आप देखोगे तो 250 plus page है. यानी chart में बहुत ज्यादा summarization नहीं है 50%. और उसका जो layouting है वो ऐसी है कि आपको revision में बहुत. हमने क्या किया, स्पेशल ऑडिट्स के सेपरेट ड्रोन चार्ट्स बनाए जिसमें स्टडी मटेरियल भी इनकॉर्पोरेटेड है, क्वेश्चन बैंक भी है और उसके साथ साथ में आपके आंसर्स भी है. बट बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं उन चैप्टर्स के लिए हमने अलग अलग किताबें बनाई हैं. मैंने ऐसे अलग अलग किताबें लच्ची वड़ा दीज अलग अलग किताबें. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई जस्ट शो यू दिस पर्टिकुलर बुक. दिस इज द स्टडी मटेरियल विच इज हार्डली 500 ऑड पेजेस. हां आपको विड्थ में ज्यादा इंटरेस्ट होगा कवर पेज 500 ऑड पेजेस में. क्षमा करें. तो ये हमारी क्या है, स्टडी मटेरियल की किताब है जिसमें हमने क्या किया है, वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स एक्सेप्ट जो हम स्पेशल टॉपिक्स कहते हैं यानी कि कोड ऑफ एथिक्स, कंपनी ऑडिट और ऐसे सारे इसमें कवर हो गए. इसमें पूरा वो कंटेंट है जो मैंने आपको बताया टैबुलर फॉर्मेट में. देन वी हैव द क्वेश्चन बैंक. ये क्वेश्चन बैंक की एक खासियत है दोस्तों. इस क्वेश्चन बैंक में हमने क्या किया है, तो दिस इज द क्वेश्चन बैंक विच टोटल हमने कुछ 800 प्लस क्वेश्चंस कवर किए और हार्डली आप देखोगे इसका कंटेंट इज नॉट वेरी थिक एट ऑल. एकदम साइकोलॉजिकली आपको लगेगा ही नहीं कि यार मैंने बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना है, इजीली कवर हो जाएगा. ऐसा ऑडिट लेंदी लगेगा ही नहीं. एंड इस क्वेश्चन बैंक में जो व्हाट आई वाज टेलिंग इज हमने ऐसा नहीं किया कि यार सब जीवनी बूटी समझ नहीं आ रही थी तो पूरा पहाड़ ही लेके आ गए. व्हाट वी डिड इज हमने आइडेंटिफाई किया कि यार एक जैसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आए सबको क्लब कर दो, सिमिलर क्वेश्चन है लिख दो, सिमिलर क्वेश्चन आज दिन मई 17 मई 18 मई 19 एक ही क्वेश्चन आया नहीं ऐसे. बट आई एम जस्ट सेइंग कि इस तरह से रेफरेंस दे दिया विदाउट रिपीटिंग द क्वेश्चंस. तो वी हैव आइडेंटिफाइड सॉर्टेड अप्लाइड आवर ब्रेन्स एंड देन जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो हमने यहां पे डाले. और मजे की बात ये है कि 800 कुछ क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन क्लास में हमने सॉल्व किया है. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू आल्सो गेट इज एन एमसीक्यू बुक व्हिच इज वर्जन 3.0 जिसमें हमने इंटीग्रेटेड केस स्टडी जो अभी नई तरह के इंस्टीट्यूट पूछ रहा है वो भी इनकॉर्पोरेट कर दिया. और इस बैच की सबसे बड़ी खासियत जो आज तक नहीं था दोस्तों, पहली बार आपके सामने ऑडिट फिफ्थ बैच में पेश किया जा रहा है फुल कोर्स ड्रोन चार्ट. तो ये तो स्पेशल ऑडिट के ड्रोन चार्ट थे बट नाउ यू आल्सो गेट ड्रोन चार्ट्स फॉर कंपनी ऑडिट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एथिक्स. एथिक्स के हैंड रिटन फॉर्मेट के नोट्स हैं आपके और कंपनी ऑडिट के इस तरह के आपके ड्रोन चार्ट्स हैं जिससे आई डेफिनेटली फील एक दिन पहले आप इजीली रिवाइज कर सकते हो. बिकॉज बिलीव मी एक दिन पहले जब तक आप सारी चीजें जो पढ़िए रिवाइज करके नहीं जाओगे यू विल फील कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम. तो इस तरह से वी हैव क्रिएटेड फॉर कंपनी ऑडिट. आप आगे बढ़ोगे और कंपनी ऑडिट के सारे चैप्टर है जिसमें कारो भी कवर्ड है आपका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी कवर्ड है, कोड ऑफ एथिक्स के इस तरह के नोट्स हैं विच आर रियली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर लास्ट डे रिवीजन एंड इज बेस्ड ऑन द फीडबैक व्हाट स्टूडेंट्स आर गिविंग क्योंकि एथिक्स के पहले भी थे. Essays, this is the first time in fact we have introduced this tarah ke aapke standards on auditing ke. I think this is going to be really really helpful for you for revising the content a day before the exams. और इस लेक्चर लिस्ट के आखिरी में ही हम क्या करते हैं, इस पूरी बैच के बाद में कोई भी ऐसी नई चीज आती है, कोई भी ऐसा कंटेंट पर से आता है जो कंटेंट पर से हमें लगता है कि इसके बाद हमने शेयर किया और आपको देखना चाहिए, तो हम उसको ऐसे नीचे अलग से लिख देते हैं. जैसे YouTube पे मैंने दो वीडियो डाले तो मैंने वो लिख दिया और मैंने ये भी लिख दिया कि भाई इसमें से एक चीज़ ऑलरेडी बैच में कवर्ड है और ये एक्स्ट्रा आपको देख लेना चाहिए. तो ये अपडेट होते रहेगा कब तक, जब तक ये बैच आपके पास है. तो अगर आपका अटेम्प्ट आगे भी है तो चिंता नहीं करना, अमेंडमेंट इसमें नीचे अपडेट होते जाएंगे. आपको सिर्फ क्लिक करना है, वीडियो मिल जाएगा, दूसरे क्लिक पे आपको नोट्स मिल जाएंगे. इस तरह से ये पूरा कंटेंट मैनेज किया जाता है. एंड वी हैव साइंटिफिकली डिजाइन दिस होल थिंग इन अ मैनर सो दैट यू नो यू फील कंफर्टेबल दैट यू कवर्ड 100% ऑफ द सिलेबस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. यू आर अपडेटेड विद ऑल द रीसेंट अमेंडमेंट्स, यू डोंट हैव टू फिश आउट हियर और देयर. एंड आई पर्टिकुलरली थिंक दैट इन दिस पर्टिकुलर बैच द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बैच अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट क्लैरिटी and coverage actually should be this particular material apart from the drone charts is something which is really going to make a good difference. If you have any kind of queries with respect to the batch and more details and description about the batch, aap apni website fast.edu.in par jaake wahan pe aap e-store pe jaake you can see the description of the batch. Theek hai, chaliye taliya maine aise hi bajwa li, kabhi aap bajaye nahi bajaye. Anyways, thank you very much. If you have any queries you can put it in the comment section.
यहाँ पे एक बार सीए बन गए तो फिर आपका पूरा का पूरा बिहेवियर इंस्टीट्यूट के द्वारा गवर्न किया जा सकता है। अभी भी सोच लो, बनना है नहीं बनना है।